हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल को देख करके समझ ही लिया होगा कि आज मैं आपको मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ। ये मॉक टेस्ट जो होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं हर एक एग्ज़ाम पेपर से, प्रीवियस एग्ज़ाम से। मैंने इन क्वेश्चन का एक PDF तैयार किया है जो कि आपके सामने है, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन क्वेश्चन में से आपको चैलेंज मैं देता हूँ कि 5+ क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। अगर आपने करेक्ट कर लिए 5+ क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है GS की। तो यहाँ पर आज का जो क्विज सेक्शन है उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु नानक देव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, सेकंड नंबर बोला गया है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। यहाँ पर आपको बताना है कि मुगल दरबार में जो सबसे पहले अंग्रेज आया था वो कौन सा था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। क्या हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर शिमला समझौता कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। कब हो जाएगा, 1972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो शिमला समझौता जो था वो किसके बीच में हुआ था, तो वो आपका हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता 1972 को हुआ था। आपको पता होगा कि 1971 को जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था, उस समय जो पाकिस्तान था उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने। तो उसके बाद 1972 में ये शिमला समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था कि पाकिस्तान का जो एक एरिया था ईस्ट का, तो उसको बांग्लादेश घोषित कर दिया गया था और उसे एक नए राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा था। तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा शिमला समझौता कौन सा था और कब हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। आपको यहाँ पर बताना है तात्या टोपे जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि साइमन कमीशन जो था उसको और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखे वो मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट मैन कमीशन। क्या हो जाएगा, व्हाइट मैन कमीशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 8 नंबर बोला गया मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। यहाँ आपको बताना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्या हो जाएगा, शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 9 नंबर बोला गया मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। आपको यहाँ पर बताना है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का ही यूज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? यहाँ आपको बताना कि सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि दी गई थी तो उसको सबसे पहले किसने कहा था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ आपको बताना है कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति राइट आंसर, क्योंकि आपको पता होगा जैसे विदेशों में कोई भी आपका राजदूत होता है, जैसे बोला जाता है भारतीय दूतावास के राजदूत जो हैं, इस तरीके से आपने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा। तो इसमें आपको बताना है कि विदेशों के लिए भारतीय राजदूत जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? क्या दी गई है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 साल की, 5 साल की या फिर उम्र कैद की सजा हो जाती है, तो उस सजा को, या फिर मान लीजिए कि उसको फांसी देने के लिए कह दिया जाता है, तो उस सजा को क्षमादान कौन कर सकता है? यहाँ पर आपको बताना है उस सजा को कम या फिर उस व्यक्ति को क्षमादान कौन दे सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता राष्ट्रपति। लेकिन अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर, जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब यहाँ आपको बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। इससे पहले कि इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रसिद्ध नारे हैं वो सभी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो को जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको राइट आंसर इसका बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपको यहाँ पर बताना है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके सभी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज मैंने आपको टॉप के 14 क्वेश्चंस कराए हैं और आपका टारगेट था 5+ क्वेश्चन सही करने का। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिए होंगे, और अगर आपके 5+ क्वेश्चन हो गए हैं सही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के 5+ क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर आपके कितने स्कोर हो पाए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों से भी अपने ये क्विज देने को कहिए ताकि उनको भी नॉलेज हो सके, और देखते हैं किसके स्कोर ज्यादा हो पाते हैं। और ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली के डेली पीडीएफ वहां प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। कल मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना है। चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।